स्वतंत्र हिंदू शासक थे। राय पिथोरा के नाम से मशहूर इस राजपूत राजा ने चौहान वंश में जन्म लिया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने बचपन से ही शब्द भेदी बाण कला का अभ्यास किया था, जिसमें आवाज के आधार पर वो सटीक निशाना लगाते थे। 1179 में युद्ध में उनके पिता की मौत के बाद चौहान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने दो राजधानियों दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, जो उनको उनके नानाजी अक्रपाल और तोमरा वंश के अंगपाल तृतीय ने सौंपी थी। राजा होते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाने लगे। उनके मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध की महिमा कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता के पास पहुंच गई। जयचंद की ख्याति के दिनों में प्रतिद्वंदी राजपूत वंश ने खुद को दिल्ली में स्थापित कर लिया था। उस वक्त दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था, जो एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। लगातार सैन्य अभियानों के चलते पृथ्वीराज ने अपना साम्राज्य राजस्थान के सांभर, गुजरात और पूर्वी पंजाब तक फैला दिया था। उनकी लगातार बढ़ती ख्याति को देखकर शक्तिशाली शासक जयचंद उससे ईर्ष्या करने लग गया था। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से देश में दूर दूर तक फैल गए हैं और वो आम जन में बातचीत का मुख्य हिस्सा बन गए थे। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम गाथा। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुँचे तो मन ही मन वो पृथ्वीराज से प्यार करने लग गई और उससे गुप्त रूप से काव्य पत्राचार करने लगी। संयोगिता के अभिमानी पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी पृथ्वीराज को सबक सिखाने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधु को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती थी और वो जिस व्यक्ति के गले में माला डालती वो उसकी रानी बन जाती। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों और शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए बारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चल गया और उसने अपनी प्रेमिका संयोगिता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयोगिता सभा में जमा हुए सभी राजकुमारों के पास गुजरती गई। उसने सबको नजरअंदाज करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में हार डाल दिया। सभा में एकत्रित सभी लोग उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए एक निर्जीव मूर्ति का सम्मान किया। लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने बाकी थे। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के वेश में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर द्रुत गति से अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ चले गए। जयचंद और उसकी सेना ने उनका पीछा किया और परिणाम स्वरूप उन दोनों राज्यों के बीच 1179 और 1190 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज चौहान की हार और कैद। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की उदारता का सम्मान ना करते हुए 1192 में फिर रात को पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 17वीं बार अपनी पहले से मजबूत सेना के साथ मध्यांतर से पहले राजपूत सेना पर आक्रमण कर पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। इस बार पराजित पृथ्वीराज को बेड़ियों में बांधकर अफगानिस्तान में लाया गया। पृथ्वीराज की व्यथा यहीं पर खत्म नहीं हुई। घोर में कैदी रहते हुए उसको घसीटते हुए मोहम्मद गौरी ने दरबार में लाया और उसको मुस्लिम बनने के लिए प्रताड़ित किया गया। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के समक्ष लाया गया तो वो गौरी की आंख में आंख मिलाकर घूर रहा था। पृथ्वीराज का ये कृत्य गौरी को बहुत अपमानित लगा और उसने पृथ्वीराज को आंखें नीची करने का आदेश दिया। पृथ्वीराज ने उसको कहा कि आज मेरी वजह से ही तू जिंदा है और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती है। पृथ्वीराज की ये बात सुनकर गौरी आग बबूला हो गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। पृथ्वीराज की आंखें फोड़ देने के बाद कई बार उसको गौरी के दरबार में लाकर प्रताड़ित किया जाता था। उस समय पृथ्वीराज का पूर्व जीवन लेखक चंदवरदाई उनके साथ था और उसने पृथ्वीराज के जीवन पर पृथ्वीराज रासो नाम की जीवन गाथा लिखी थी। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज को उनके साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने को कहा। उन दोनों को एक मौका मिला जब मोहम्मद गौरी ने तीरंदाजी का खेल आयोजित किया।
चंद्रवर दाय की सलाह पर पृथ्वीराज ने गौरी के इस खेल में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वीराज की ये बात सुनकर गौरी के दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे कि एक अंधा कैसे तीरंदाजी में हिस्सा लेना चाहता है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से कहा कि या तो वो उसे मार दे या फिर खेल में हिस्सा लेने दे। चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज की ओर से गौरी को कहा, एक राजा होने के नाते वो एक राजा के आदेश को मान सकता है। मोहम्मद गौरी के जमीर को चोट लगी और वो राजी हो गया। बताए हुए दिन गौरी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। पृथ्वीराज को उस समय पहली बार वीडियो से मुक्त किया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया और पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज की दिशा में गौरी की तरफ तीर लगाया और गौरी उसी समय मर गया। इस दृश्य को चंद्रवर दाई ने बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख किया, 10 कदम आगे 20 कदम दाएं, बैठा है सुल्तान, अब मत झुका चौहान, चला दो अपना बाण। पृथ्वीराज के अचानक हमले ने गौरी को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले अंतिम हिंदू शासक को गौरी के मंत्रियों ने हत्या कर दी। उन्होंने पृथ्वीराज के शव को हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार क्रियाकर्म नहीं करने दिया और मोहम्मद गौरी की कब्र के नजदीक उनके शव को दफना दिया। उन्होंने पृथ्वीराज की कब्र पर थूकने और अपमानित करने की परंपरा नहीं छोड़ी, जो आज भी वहां प्रचलित है। इस तरह एक महान हिंदू शासक का अंत हुआ और